नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अपनी चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि है जो कल सुबह 4:18 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:20 तक था। इस समय मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो चुका है। विषकुंभ योग शाम 4:26 तक है। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 से शाम 4:30 तक, यमगंड काल सुबह 9:41 से 11:07 तक और गुलिक काल दोपहर 12:34 से दोपहर 2 तक रहेगा। इन समयों में किसी शुभ कार्य की शुरुआत, यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशियों का रुख करेंगे और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? आज तो मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत बढ़िया है। धन भाव में उच्च का चंद्रमा मंगल के साथ है, इसका मतलब कि धन में वृद्धि होगी और बचत भी कर पाएंगे। और अगर आपके दशम भाव को देखा जाए तो सूर्य शनि बुध की स्थिति बनी, दशम भाव को देखा जाए तो उसका स्वामी शनि बुध के साथ सूर्य के साथ एकादश भाव में है। काम से जुड़ी कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, घर में मेहमान आ सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। छोटी कन्याओं को कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, वृषभ राशि में इस समय उच्च का चंद्रमा है मंगल के साथ। चंद्रमा इस समय 24 डिग्री पर है और दशम भाव में सूर्य शनि बुध बैठे हुए हैं। ऐसे में काम में तो तेजी आएगी, कारोबार में तेजी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये शनि सूर्य की युति आपके ऑफिस में विवाद को जन्म दे सकती है। आपके ऑफिस में आपसे किसी से विवाद हो सकता है। आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पुरानी गाड़ी जल्दबाजी में ना लें, सफ़ेद संख की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध अब भाग्य भाव में चला गया है। इस समय 1:05 पर गोचर कर रहा है और ये भाग्य स्थान में शनि के साथ भाग्येश के साथ है। यद्यपि आज का दिन चंद्रमा और मंगल आपके व्यय भाव में है, इसलिए लापरवाही से धन हानि हो सकती है। ऑफिस के काम दूसरों पर ना थोपें, पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। गलत खान पान सेहत बिगाड़ सकती है। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। भगवान गणेश पर पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को बताना चाहूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में है। जो आप कारोबार में बड़ा निवेश करने वाले हैं, धन लगाने वाले हैं, उससे आपको खूब लाभ मिलेगा। ऑफिस में अधूरे काम आपको निपटाने होंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी बृहस्पति जो पूरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, वो आपको मौसमी बीमारियां दे सकता है। जैसे इस समय मौसमी बीमारी है सर्दी, जुकाम, बुखार।
ये बीमारी आपको 2 से 3 दिनों तक परेशान कर सकती है। व्यर्थ के बाद विवाद से बिल्कुल आपको बचना चाहिए और हो सके तो चांदी का एक सिक्का आपको अपने पर्स या जेब में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। सिंह राशि पर पूर्ण दृष्टि है, शनि और बुध के साथ है। प्रॉपर्टी से बड़ा धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है और आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र के साथ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बच्चों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ज़्यादा घूमना सेहत बिगाड़ सकता है, किसी अपनों से धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें। आप आज आपको ओम भौमाय नमः या ओम अंगंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी बुध स्थान परिवर्तन कर चुका है, अब वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये कन्या राशि से 6ठा स्थान है। दशम भाव का स्वामी बुध है, जो अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में धन से जुड़े मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस में साथ काम करने वाले आपका साथ देंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी पुरानी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। मूंग के लड्डू गणेश जी को भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र उच्च राशि में भले है, लेकिन अपने से 6ठे भाव में है और धन भाव का स्वामी मंगल धन भाव को देख रहा है। पुराने निवेश से धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले से आपने कोई शेयर खरीदा है, पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उससे आपको लाभ मिलने का संकेत अब बना हुआ है। और एक बात बड़ी खुशी की है कि आपके क्रिएटिविटी की, आपके कार्य कुशलता की तारीफ होगी। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है, किसी से अपनी गुप्त बात आपको साझा नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका एक मतलब तो ये निकलता है कि धन आगमन के योग बन रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शनि की भी पूरी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। ये शनि आपके शरीर में आलस्य पैदा करेगा, इसलिए मेरे भाई आलस्य न करें। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, ये आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। अगर 2 मिनट के लिए भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2 मिनट करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप, जहाँ गंदगी हो जाए और आप वहाँ बर्दाश्त न कर सकें गंदगी, तो वहाँ आपको इत्र छिड़कना चाहिए, वहाँ आपको परफ्यूम छिड़कना चाहिए, जिससे वहाँ का वायुमंडल ठीक हो। इसी तरह से जब आपके मस्तिष्क में नकारात्मक रूपी गंदगी जगह बनाने लगती है, तो आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में हो जाना चाहिए और भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान करके ओम नमः शिवाय करना शुरू कर देना चाहिए। 2 मिनट ओम नमः शिवाय करने पर
जो भी निगेटिविटी आपके मस्तिष्क में जगह बना पाई है वो सब इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उजागर हो जाएंगे। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी वृश्चिक राशि है, आप क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कभी माता पिता जब बुजुर्ग हों तो उनकी कुछ खराब बातों को भी सुन करके उनका अपमान न करें, बल्कि आप ये सोचें कि उम्र का तकाजा है, बुद्धि ऐसी हो जाती है इसलिए ऐसा लोग बोलते हैं। धार्मिक कार्यों में आपको योगदान देना चाहिए। शुभंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आप बात करेंगे धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों का ट्रांजिट बताऊं, तृतीय पराक्रम के स्थान में स्वगृही शनि बुध और सूर्य के साथ है और राशि स्वामी बृहस्पति स्वगृही होकर के शुक्र के साथ केंद्र में बैठे हुए हैं। यही है कि पंचम भाव में राहु है, तो एक बात तो पक्की है कि रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है, कहीं ना कहीं से आज आपको पेमेंट मिलना ही मिलना है और ऑफिस में दिन भी अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन ये सप्तम का स्वामी बुध जो शनि के साथ अब स्थान परिवर्तन किया है, ये बेवजह आपके वैवाहिक जीवन में तूतू मैमय की स्थिति पैदा करेगा, इसलिए आप यदि बुद्धिमान हैं तो अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ विवाद न करें। बाहरी खान पान आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि ये सीजन बहुत ख़राब है बीमारी के लिए, सर्दी जुकाम वायरल फीवर ये सब इस समय खान पान की कमी से हो रहा है। किसी नई योजना में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, कम से कम 8 दिनों तक, नुकसान हो सकता है, और माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी भले ही इस समय कुंभ राशि में द्वितीय भाव में स्थित है सूर्य और बुध के साथ, लेकिन मकर राशि से चतुर्थ भाव में व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहा है, व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय केंद्रस्थ है, जिसके कारण व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डालेगा, वाहवाही में आकर के आप खर्च कर देंगे और जिससे आपको दिक्कत होगी। नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं और परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। स्किन से त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना है, अनुभवी लोगों से विवाद न करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में शनि है, गमन स्थान का स्वामी शुक्र है, दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है, किसी यात्रा पर अगर आप जाएंगे तो आपका कोई कीमती सामान चोरी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी पर्स भूल सकती है, आपका धन हानि हो सकता है, तो इसलिए अगर यात्रा करें तो सतर्क होकर करें। दूसरी बात बताऊं, कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल हैं और दशम भाव का स्वामी जो है वो भी मंगल है, तो कार्यस्थल पर बेवजह का विवाद पैदा हो सकता है, लेकिन खुशी की बात है कि घर में मेहमान आ सकते हैं, मानसिक तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है, पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहिए, गेहूं का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है, रोज बता रहा हूँ आपको, लेकिन व्यय भाव में सूर्य शनि बुध के साथ है, लेकिन
द्वितीय मंगल और चंद्रमा के साथ होने के नाते आज धन लाभ का संयोग बन रहा है। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत करेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। बिना किसी की सलाह के बड़े निर्णय ना लें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए नव है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी।